हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और आज दिन है बुधवार और वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है और मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नहाने से पहले ही मैंने सारी तैयारियाँ कर दी थी और सब्जी वब्जी सब काट के रख जाती हूँ, जिससे कि लेट ना हो बच्चे, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की, तो क्लास चल रही है और मुझे नहाने में 10-11 तो बज ही जाता है। और मैं नाश्ता बना दे रही हूँ सबके लिए, भूख लग रही है सबको, तो पहले ही तैयारी कर देती हूँ और बाद में फिर पूजा करके और फिर खाना बना देती हूँ मैं। और ये देखिए, मैंने टमाटर, प्याज और खीरा, यही सब्जियाँ ले ली हैं और इन सबको मिक्स कर लिया है। और इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, यही डालूँगी मैं इसमें। और ये देखिए, चीज़ डाल दी है। और ब्रेड की स्लाइस पे भी ना चीज़ थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना, और ये अच्छे लगते हैं बच्चों को। ट्राई ज़रूर करना कि कैसे बने हैं, अच्छे अच्छे लगेंगे आप सबको भी। और ये देखिए, चीज़ इसमें मिक्स करके ना ऐड कर दूँगी मैं इसको। और बच्चों को तो अच्छे लगे थे, आयुषी ने और अक्षित ने तो, रुकू ने तो खा लिए थे अच्छे से, लेकिन रितु को कम अच्छे लगे थे, उसने कम खाए थे, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम सब लोग खाते हैं पहले से ही, तो हम सब लोग को तो अच्छे लगे थे। और यहाँ पे ना वेजक में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी कई दिन से ना बारिश नहीं आ रही है और एकदम गर्मी जैसी हो रही है। अभी किचन में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बाल मैंने ऐसे पूरे बांध रखे हैं। और ये देखिए, गरम गरम मैं बनाती जाऊंगी। मैं इसी तवे पे बनाती हूँ, मेरे पास टोस्टर नहीं है और इसी पे मैं बना लेती हूँ सैंडविच, अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए, बन गया है हमारा और बच्चों को देके आ जाऊंगी, गर्मा गर्म खा लेंगे सभी। आज सुबह ही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और शाम को यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश, तेज़ बारिश आई है ना शाम को 5 बजे, और अभी बंद हो गई है। अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ किचन में ना, अभी बंद हो गई है बारिश, अभी बालकनी में मैं आपको दिखाऊँगी आगे की वीडियो में। बहुत तेज़ बारिश आई थी यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी। और लंच में बस मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, इसलिए मैंने वीडियो को शूट नहीं किया। और अभी शाम हो गई है और शाम को हम बना रहे हैं, आज आप समझ ही रहे होगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज कढ़ी बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ी बहुत टाइम से बनी नहीं है, सावन के महीने में ना कढ़ी बनती नहीं है हमारे यहाँ पे। और पकौड़ियाँ बना ली हैं कढ़ी के लिए ही, सावन के पूरा महीना हो गया। मैं मम्मी के यहाँ पे थी तभी, गांव में थी तभी की कढ़ी खाई थी सावन के महीने से पहले। और अभी मुझे आने के बाद, यहाँ पर आने का भी 1 महीना हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो तभी बनाई नहीं है हमने कढ़ी। तो आज मैं सोच रही थी, बहुत दिन से मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को पसंद है कढ़ी, तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने डाल दिया है तेल, तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसमें मेथी और थोड़ा सा राई, चारों चीज़ें डालती हूँ। और ये मेरे पास करी पत्ता रखा हुआ है, तो करी पत्ता डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी मैं, हींग ज़रूर डालती हूँ, अच्छी लगती है, टेस्ट आ जाता है। और ये मैंने मट्ठा बना के रख लिया था और कढ़ी छौंक दी है, और आज बहुत टेस्टी लगेगा खाना। आज कढ़ी और राइस यही बनाऊंगी, रोटियां नहीं बनाऊंगी, थोड़ी से कढ़ी बनाऊंगी, थोड़ी से राइस, सबको बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, बच्चों को भी पसंद है। डुकू नहीं खाता है और हम तीनों खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं कढ़ी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये आशु बोल रही थी सिग्नेचर करने के लिए, और इसमें ना लिखा हुआ है बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, आयुष 9th में है, आयुषी की ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, तो उसके लिए ना पेरेंट्स की परमिशन के लिए बोला है, तो उसी के लिए हम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। दिखा क्या बनाया है तूने? मैं अभी बना रहा हूँ रॉकेट। रॉकेट बना रहा है, ये बनाया है उड़ता हुआ। अच्छा, ये वाला, ये इसमें से बुक में से देख के। हाँ, ये कोने वाला है। अरे तूने बनाया है? तूने नहीं बनाया, रितु ने बनाया है। थोड़ा थोड़ा बना। अच्छा, और अभी ये क्या बना रहे हो उस पर? कुछ नहीं, अच्छा
ये इसने पूरा निकाल दिया। और ये ना इसका दिखाते हो, वो दिखाते हो डब्बू, वो देखा, ये आयरन का है और इसमें पीछे ये दिया हुआ है, तो इस पर मैग्नेट है तो इस पर ये चिपक जाता है। इस पर कुछ भी बना सकते हैं, ये पूरा बुकलेट दे रखा है, इसमें कुछ भी बना सकते हैं। लेटर्स छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, टाइम पास के लिए लेटर्स भी हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लाइज है, ये सब बन सकते हैं इसमें। अच्छा फ्लावर बनाएंगे, चलो फ्लावर बनाएंगे, आइसक्रीम, ये देखो फ्रूट्स भी हैं। अच्छा फ्रूट्स भी हैं, कुछ है फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स बनाएंगे, व्हीकल्स भी हैं इसमें, और ये भी है देखो इंसान। डुगु ये वाला, ये वाला बना, ये वाला बना, ये बना, जंपिंग करने मेरे बन रहा है, खाना बन रहा है कढ़ी चावल, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, डुब्बू खेल रहा है। और डुब्बू कितनी पकौड़ी खाई है, हैं पकौड़ी कितनी खाई है तूने? और डुब्बू ने सारी पकौड़ी खा ले रहा है उसकी ना, जो कढ़ी के लिए मैंने बनाई है वो इसको अच्छी लग रही है, वो खा ली है इसने। अब थोड़ी सी बची है बस कढ़ी में डालने के लिए, और पहले इसने बोला नहीं मैं और बना देती नहीं तो, और अभी बोल रहा है अच्छी लग रही है मम्मी दे दो, खा रहा है। और ये सब लोग ना ये बना रहे हैं, ये क्या बल्चर बना रही है, बल्चर बना रही है। और अभी देखो कैसा हो रहा है ना, बादल पूरा खुल गया है, अभी बारिश बंद हो गई है, बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है मौसम। बात करने में ना इतनी तेज बारिश आई थी, पूरा गीला गीला करके चली गई है, रोड वोड एकदम गीली हो गई है। और ये देखो ये मेरे से आके चपक रहा है ये आगे पीछे ही घूमता है, बचपन में भी जैसे ही रहता था, अभी भी आगे पीछे जहाँ मैं रहूँगी वहीं ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। बड़ा हो गया है कहने को, ये बस बड़ा ही हो गया है ये। और अभी भी देखो बिजली ना वहाँ पर कड़क रही है, अभी बिजली कड़क रही है, कड़क रही है अभी, अभी नहीं दिख रही है, अभी मैं दिखा रही हूँ कैमरे में तो अभी नहीं दिख रही। और वहाँ देखो कितनी लाइटिंग ना बारिश होने से ना बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पूरा एकदम दिख रहा है ना लाइट, एकदम क्लियर हो गया है बादल। और यहाँ पे रोड पे ना काम चल रहा है, यहाँ पे नीचे काम चल रहा है, ठंड लग रही है बोल रहे माइनस में चला गया टेम्परेचर, ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है। और अभी यहाँ पे राहत मिल रही है, अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज ना ठंड हो जाएगी, आज बैजाक का यही है, थोड़ा बारिश होते ही ना ठंडा हो जाता है मौसम। तीन चार दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तीन चार दिन से, और अभी बारिश हो गई है आज ना, एक डेढ़ घंटे बारिश हो गई, उसी से एकदम ठंडा हो जाएगा। और मेरा चेहरा ऐसे हो रहा है पूरा, एकदम सोए सोए जैसे लग रही हूँ आज, सर भारी हो गया है। तेल निकाला था डालने के लिए ना, सोच रही थी आयुषी से या रितु से डलवाऊंगी, सर में ना हेडक सा हो रहा है मेरे, डलवाऊंगी रात में तेल डलवाऊंगी मैं बालों में ना। देखिए हमारी कढ़ी ना बनने वाली है बस, और ये पकौड़ियाँ डुक्कू खा ली है, डुक्कू ने खा ली है, एक दो मैंने भी खा ली है, कोई बात नहीं इतनी डाल लेंगे। और ये राइस रख दिए मैंने ना कुकर में, राइस रख दिए, और आज कढ़ी चावल ही बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही हूँ। अभी तो ये खटके ही थोड़ा सा समय लगेगा इसमें ना। ये देखिए मेरी पकौड़ी कैसे बनी है ना, एकदम चिड़िया के जैसे लग रही है, ये इसकी मुंडी है और ये इसकी पूंछ है, और ये भी देखो एक बन गया, वल्चर बन गया, एक तो सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए पूंछ काट दी मैंने, ओ डुगू ने पूंछ काट दी, और खा गया उसकी पूंछ को तो, है मुँह को भी खा गया। कैसी बनी है पकौड़ी? अच्छी है, फीकी फीकी भी अच्छी लग रही है तेरे को, है? और ये बन गया आज हमारा खाना कढ़ी चावल। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, और मेरे चैनल को जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए यहाँ पे कितना बादल, सुंदर सा बादल हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत तेज बारिश आई थी, और ये वीडियो मैंने बाद में एड की है। और ये देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, सारे कपड़े उतार लिए थे बालकनी से ना, बहुत तेज हवा के साथ बारिश आई है यहाँ पे ना, भयंकर वाली बारिश आई है, मौसम एकदम ठंडा हो गया, बारिश आ रही है बहुत तेज।